हाय गाइस, वेलकम टू असल पैराडाइज। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ खास जो दोनों वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए हो सकता है। सिर्फ एक चीज की एडिशन और एक चीज की सब्सट्रैक्शन। लेट्स सी। ये देखिए, अब करते गैस ऑन। आज आप सोच रहे होंगे मैं क्यों नहीं बता रही हूँ आपको कि भैया क्या बन रहा है आज। थोड़ा पानी डाल दिया हमने, आज थोड़ी सस्पेंस है जो हम उसी में दिखाएंगे। ये रही इसमें गई लहसुन, दस से बारह फाड़ लिया, और ये गई मिर्ची, और इसको हम जो है अब बॉईल करेंगे। पूरी तरीके से बॉईल करना है, जब तक इसका उतनी देर बॉईल करके रखना है जब तक इसका सारा पानी सूख जाएगा। करते रहिए, कुछ नहीं डालना है इसमें, सिर्फ पानी के अंदर है लहसुन और हरी मिर्च, और तीखा चाहिए तो और भी हरी मिर्ची डाल सकते हैं। मैं तो प्रेफर करती हूँ मीडियम तीखा। लो गाइस, ये देखिए सारा का सारा जो पानी है वो सूख गया है। अब हम इसको एक बार ही देखेंगे। ये देखिए सारा पानी सोख हो गया, बंद कर दीजिए इसको, और इसको अब हम कूट लेंगे। अभी हमने इसको सिलबट्टे में डाल दिया है, अभी इसको कूट लेते हैं। अच्छे से इसकी पेस्ट बनानी है, ध्यान से कूटे क्योंकि मिर्चियों के अंदर जो पानी गया हुआ है वो ऐसा छपाक करके बाहर आ जाता है, तो आग आग में ना जाए, बी केयरफुल। थोड़ा सा उसको ऐसे करिए, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे ही ये पिस जाते हैं अच्छे से। ये देखो मस्त टेस्ट फॉर्म हो गई है। चम्मच से ही इसको करें, हाथ से निकालने की कोशिश ना करें, बिकॉज यू नो हाउ द रेड चिली, सॉरी द ग्रीन चिली, चिलीज का रेड इसलिए नाम याद आ गया क्योंकि चिलीज बन के फिर हॉट हॉट हो। ये देखिए दिस इज द paste what we have got, this is the paste, and ये हमारे पास है dry bombil. Bombil is bombed up dry fish, और ये हम डालेंगे अब pan, थोड़ा सा मैंने heat up कर लिया है frying pan। ये कुछ एक packet में 10 से 12 bombil थे, इसका मैंने सर काट दिया है और साइड से जो विंग्स थे वो भी साफ करके को पीसेस में काट दिया है। अब हम इनको थोड़ा सा सेक लगा दें, सेकते हैं थोड़ा धीमी आंच पे ही सेके क्योंकि तेज आंच पे सेकेंगे तो ये जल जाएंगे। सेकना तब तक है जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी ना हो जाए, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे, अच्छे से सिके जाएंगे। तो हम इनको सेक करें, हल्की मैंने तेज आंच कर दी है, हल्की तेज, ज्यादा तेज सेकने। ये देखिए फ्रेंड्स, करीब 5 से 7 मिनट तक हम इसको सेक रहे हैं मध्यम आंच पे। ये देखिए थोड़े थोड़े यहाँ से ब्राउन हो गए, दैट मीन्स ये सेक इनको जो है वो लग रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा हिलाती जा रही हूँ बिकॉज ये क्या है, नहीं तो नीचे से ये चिपक जाएंगे एकदम जो सेक। हल्की तेज, पूरा फुल आंच नहीं की है, हल्की तेज आंच पे। अभी मैंने इसको बंद कर दिया है, ये अच्छी तरह सेक गए हैं। स्टील की प्लेट में ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब जो ये बोमिल हमने प्लेट में डाल दी है इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं क्योंकि ठंडे होने के बाद एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे तो फटक से डूब जाएंगे करके। फिर इनको छोटे छोटे पीसेस में काट के हम लोग एक अलग प्लेट में ले लेंगे। और ये देखिए हमने लिया है पैन में तेल, पैन चालू कर देते हैं गैस। और ये देखिए हमने जो ड्राई फिश है बोम्बे उसको पीसेस में, आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं। हमने डाल दिया है
आज दिन ही रखी थी, हल्की मैंने तेज कर दी है। फिश को, ड्राई फिश को, इसको कश्मीरी में होगाड़ भी बोलते हैं, इसको हमने जो है वो अच्छे से जो है सेक दिया था, इसीलिए पीसेस हो गए थे इसके अच्छे से। अब देखिए तेल थोड़ा ज्यादा जाता है होगाड़ में, थोड़ा नमक भी डालेंगे और साथ में ही होगाड़ के साथ ही ड्राई फिश के साथ। ये देखिए आधा चम्मच नमक दे रहे हैं इसमें, ठीक है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। आंच मैंने हल्की तेज रखी हुई है, हल्की तेज, ज्यादा तेज नहीं, ठीक है। ये देखिए अच्छे से सीख गया ये ड्राई फिश, ड्राई मुंबिल, बॉम्बे डक। ये देखो मुंबई में ये बड़ा ही कॉमन होता है, आप इसको कहीं पे भी जो है कोई भी ड्राई फिश लेके इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये हो गया, अभी इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। दो बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए थे, आंच को भी नहीं कर रहे। इसमें और कोई भी मसाले नहीं पड़ते हैं, सिर्फ टमाटर और वो जो हमने लहसुन और मिर्ची का ये बनाया था पेस्ट बॉईल करके, और ये ड्राई फिश के साथ ओनली नमक। अब ये टमाटरों को गलने तक का हम लोग वेट करेंगे। ये देखिए टमाटर हो गए हैं, पूरे गल चुके हैं टमाटर अच्छे से। ये देखिए आंच थोड़ी मैंने तेज ही रख कर दी थोड़ी देर में, को घुमा के अच्छे से, क्योंकि तेज आंच पे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। इनको साथ साथ में ऐसे करते रहें, प्रेस करते रहें। अब आंच थोड़ी धीमी कर लें, टमाटर हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने पेस्ट बनाया था ऑफ लहसुन एंड मिर्ची, सारी पेस्ट इसमें डाल दें। आपको जैसा तीखा पसंद है उतना तीखा के हिसाब से भी डाल सकते हैं आप ये पेस्ट, फिर ये पेस्ट आप किसी और चीज में भी यूज कर सकते हैं। हल्की तेज आंच कर दी है, ये डाल दिया है हमने। ये देखिए अब इसको मिक्स कर लें अच्छे से। ये प्रेस करते रहें बीच बीच में ये सब चीजों को, ताकि सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। एकदम वो जो है ना चटनी जैसा इसमें टेक्सचर आना चाहिए। ये देखिए तैयार है हमारा बोंबिल का खरड़ा। अब आप ये सोचेंगे कि पहले मैंने बोला था कि ये वेज लोग भी खा सकते हैं, नॉन वेज लोग भी खा सकते हैं। वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि वेज लोगों को अगर ये खाना है, ये यूजुअली दाल चावल के साथ सर्व होता है, इट इज बेस्ट विद दाल चावल। सो अगर वेज लोगों को खाना है तो इसमें से फिश हटा दीजिए, और आप इसको टमाटर और मिर्ची और लहसुन से भी बना सकते हैं। सिर्फ वो जो है आप ड्राई फिश हटा दें इसमें से, और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो इंस्टेड ऑफ चिकन, एग, मटन, इसको दाल चावल के साथ एज अ बोंबिल की चटनी भी बोलते हैं, इसको बोंबिल की चटनी से यूज कर सकते हैं। मोस्टली महाराष्ट्र में बनाई जाती है, बट इट इज वेरी टेस्टी। थोड़ी सी स्पाइसी है बट टेस्टी है। सो प्लीज यू लाइक, सब्सक्राइब एंड राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कैसे लगी मेरी ये बोमबेला सा खरड़ा।